हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अनुपम देव ऑफिशियल। दोस्तों आज हमारे पास है पीट्रोन की तरफ से पीट्रोन बेसपॉट P11 ईयरबड 799 में। दोस्तों इसकी लॉन्चिंग में काफी इंटरेस्टिंग सा ईयरबड लग रहा है। बॉक्स को ओपन करेंगे और आपको बताएंगे इसकी साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, कॉलिंग क्वालिटी किस तरीके की रहने वाली है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं यार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये है दोस्तों हमारा बॉक्स। बॉक्स के ऊपर में बेसपॉट P11 लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों कुछ की हाईलाइट दे रखे, मूवी म्यूजिक मोड और यहाँ पे 24 आवर प्ले टाइम। यहाँ पे दोस्तों इसके कुछ स्पेसिफिकेशन दे रखे। बॉक्स को दोस्तों ओपन कर लेते हैं, बाहर निकालते हैं अपने ईयरबड के केस को। यहाँ पे दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको पैकेजिंग मिलने वाली है। दोस्तों ईयरबड को थोड़ा साइड कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं इसके साथ मुझे क्या क्या मिल जाता है। एक वारंटी कार्ड मिल जाएगा पीट्रोन की तरफ से और दोस्तों यहाँ पे QR दे रखा है, इसे स्कैन करके आप इसका जो मैनुअल है वो भी चेक कर सकते हैं। और दोस्तों एक चार्जिंग केबल मिल जाता है टाइप सी इंटरफेस के साथ और दोस्तों 4 एक्स्ट्रा ईयर टिप्स इन्होंने दे रखे हैं। केस को मैंने बाहर निकाले, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी बिल्ड और डिजाइन। डिजाइन दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग सा इन्होंने दिया, काफी बढ़िया लग रहा है और अट्रैक्टिव। अगर दोस्तों बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ऊपर की साइड दोस्तों कुछ मैट फिनिश के साथ आपको मिल जाए। अगर कहीं पे भी रफ जगह पे आप इसे रख रहे हो तो थोड़ी बहुत स्क्रैचेस आ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे पीट्रोन की ब्रांडिंग मिल जाएगी और दोस्तों यहाँ पे इन्होंने एक लाइट इंडिकेटर लगाया है। पीछे की साइड दोस्तों चार्जिंग पॉइंट आपको देखने को मिल जाता है। ओपन करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे हमारे ईयरबड्स रखे और यहाँ पे आपको मिल जाता है बैटरी इंडिकेटर। यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपकी जो बैटरी है वो कितनी चार्ज है। हिंज की बात करूं तो दोस्तों हिंज काफी बढ़िया लगा है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। प्लास्टिक दोस्तों काफी अच्छी क्वालिटी का इन्होंने यूज किया है। बर्ड्स की बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों काफी अट्रैक्टिव लगा है मुझे और दोस्तों काफी लाइट वेट ये बर्ड्स हैं। यहाँ पे दोस्तों कुछ लाइंस आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों मैट फिनिश के साथ मिल रहा है और दोनों में दोस्तों इन्होंने लाइट इंडिकेटर लगाया है। अगर दोस्तों आप सामने की तरफ देखोगे तो सामने की तरफ चार्जिंग पिंस दिख जाएंगे आपको और आपको कुछ मैट फिनिश के साथ मिल रहा है। तो दोस्तों 799 के हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे काफी बढ़िया लगी है। फिटिंग और कंफर्ट की बात करूं तो दोस्तों काफी ज्यादा कंफर्टेबल ये ईयरबड्स हैं। अगर आप लॉन्ग टाइम तक इसे यूज कर रहे हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और दोस्तों फिटिंग की बात करूं तो दोस्तों अगर आप रनिंग वगैरह कर रहे हो या जिम वगैरह में इसे यूज कर रहे हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बिल्कुल भी आपके ईयर से नहीं निकलने वाले। कनेक्टिविटी की बात करूं तो दोस्तों ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट मिल रहा है और दोस्तों इसमें आपको 10mm के ड्राइवर मिल जाते हैं। दोस्तों साउंड क्वालिटी की बात करूं तो इससे मैंने काफी देर तक म्यूजिक सुना और डिफरेंट सॉन्ग सुने और दोस्तों बेस वाला म्यूजिक भी मैंने सुना। इससे साउंड क्वालिटी दोस्तों 799 के हिसाब से मुझे काफी बढ़िया लगी है। वोकल्स दोस्तों आपको क्लियर सुनाई देंगे, इंस्ट्रूमेंट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन अच्छे से सुनाई देंगे। और दोस्तों बेस आपको कोई ज्यादा हाई नहीं मिलेगा, लो नहीं मिलेगा, मीडियम आपको इसमें बेस मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपका बजट 799 है तो 799 के हिसाब से दोस्तों काफी बढ़िया इसकी साउंड की क्वालिटी है। लाउडनेस की बात करूं तो दोस्तों लाउडनेस भी इसमें काफी बढ़िया मिल रही है। अगर आप इसे 100% वॉल्यूम पे सुन रहे हो तब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ना दोस्तों आपको कोई चुभन होगी ना कोई इरिटेशन होगा। आप इसे लॉन्ग टाइम तक भी यूज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मैं आपको साउंड क्वालिटी का एक टेस्ट करके दिखा देता हूं ताकि आपको सेटिस्फेक्शन मिल सके कि आपको ये परचेज करना है या नहीं करना है। कॉलिंग क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों अगर आप इसे रूम में यूज कर रहे हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली कॉलिंग में। अगर दोस्तों आप इसे मार्केट वगैरह में जहां पे क्राउड वगैरह होता है वहां पे भी यूज कर सकते हो, बहुत कम नॉइस बाहर से आ रही है। दोस्तों इसे मैंने मार्केट वगैरह में यूज किया है, काफी कंफर्टेबली दोस्तों इससे मैं बात कर पा रहा था। जो वॉइस आप सुन रहे हो दोस्तों वो इसी ईयरबड से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, जिससे कि आपको एक आइडिया लगने वाला है कि इसके जो माइक्रोफोन है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा फीचर के बारे में बात करें तो इसमें आपको कोई भी डेडिकेटेड गेमिंग मोड इन्होंने नहीं दिया है। तो दोस्तों अगर आप गेमिंग के पर्पज से इसे परचेज कर रहे हो तो आपको नहीं करना है। बैटरी बैकअप की बात करूं तो दोस्तों इन्होंने क्लेम किया 24 आवर तक इसमें आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा। दोस्तों जब मैंने इसे यूज किया तो 20 आवर तक आपको इसमें प्लेबैक मिलने वाला है और दोस्तों जो आपके बर्ड्स हैं वो 2 से 3 घंटे तक 1 बार अगर आप केस से निकालते हो तो आपको बैटरी बैकअप देने वाले हैं।
और लगभग 1.5 घंटे में आपका फुली केस चार्ज हो जाएगा और बर्ड्स दोस्तों 1 घंटे में आपके फुली चार्ज हो जाएंगे। अगर दोस्तों आपका बजट 1000 के बिलो है तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। अगर दोस्तों वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो या मैं आपकी हेल्प कर पाए हूं तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पे नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।